ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिनके खातों में 100 रुपए भी नहीं निकले, लेकिन वो उनकी औकात से बड़ी 1 करोड़ रुपए का इनाम रख रहे हैं, क्योंकि माइक पे बोलने में तो कुछ आता नहीं है। तुम्हारे इस्लाम में लिखा हुआ, जब तुम्हारे मोहम्मद पैगंबर ने नहीं किया सम्मान महिलाओं का, तो तुम क्या करोगे? जब वो 6 साल की बच्ची को हवस का शिकार बना सकता है, सबसे पहले इनका जो ये 10-12 बच्चे पैदा करें, इनका राशन बंद करा जाए, इनका राशन बंद करा जाए, इन्हें इन्हें जो पैसा मिलता है अल्पसंख्यक का, पहले वो बंद करा जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल द रिपोर्टर डा में आप लोगों को स्वागत करता हूं। देश में जगह जगह दंगे, सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। इसी बीच में दिल्ली का दिल, जो कि कनॉट प्लेस है, यहाँ पर कुछ लोगों से हम बात करने आए हैं कि आखिर देश में दंगे ये हो रहे हैं, इसका क्या मतलब है। कुछ लोगों से हम लोग बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या कर रहे हैं ये। जैसे कि प्रयागराज में जावेद का घर तोड़ा गया, तो अब विपक्ष बिल्कुल उतर गया इनके सपोर्ट में, इस पर क्या कहना है आपका? देखो, विपक्षों को तो काम है कि देश में अधिक से अधिक लोगों को भड़काया जा सके, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू मुस्लिम हो, जबकि नियम के अनुसार जो गलत करेगा उसी का नुकसान हो रहा है ना। जावेद ने गलत किया, जावेद ने दंगा भड़काया, तभी उसका नुकसान हो रहा है, तभी उसका घर तोड़ा जा रहा है। किसी जावेद ऐसे तो नहीं कि बेकसूर था। यदि बेकसूर के पक्ष में आके विपक्ष वाले समर्थन करें तब तो अच्छा हो कि हाँ चलो ये अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो दंगाई है, जिसका घर तोड़ा जा रहा है जबकि उसने गलत किया, उसका ही समर्थन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये विपक्ष और आग लगाना चाह रही है। भारत के तिरंगे को बंगाल में, अन्य इस्लामिक देशों में जलाया जा रहा है, क्या यहाँ के अपने हिंदुस्तान के मुसलमानों को इससे तकलीफ नहीं हो रही? देखो, जो मुस्लिम कौम है, एक मुस्लिम कौम जो है, उनके लिए देश से कोई मतलब नहीं, उनके लिए धर्म बड़ा है। धर्म इस बड़ा है, इसी वजह से आज 58 इस्लामिक स्टेट हो चुका है, इस्लामिक देश हो चुका है, क्योंकि उन्होंने हमेशा ही धर्म को बड़ा माना है। उनके लिए देश कुछ भी नहीं है। जहाँ पे उनके धर्म की बात होगी, चाहे वो पाकिस्तान का बंदा उनके धर्म के लिए बोलेगा, तो पाकिस्तान का साथ देंगे, हिंदुस्तान का साथ नहीं दे सकते। इस नुपुर शर्मा का जो पुतला है वो कर्नाटक में तार के ऊपर लटका दिया गया। जी जी। और बोला जाता है कि नुपुर शर्मा का सर काट के लाएंगे तो हम उनको 1 करोड़ का इनाम देंगे, सर धड़ से अलग करने वाले 1 करोड़ का इनाम देंगे। क्या आपको लगता है कि ये सही कर रहे हैं, ये अपने मतलब कि ये मतलब क्या क्या चाहते हैं? देखो, ये दर्शाना क्या चाह रहे हैं, ये देखो कि जो लोग, जिन लोगों ने भी 1 करोड़ का इनाम रखा, सर कलम करने पे चाहे जान से मारने पे, उनके 2-3 लोगों के खाते भी चेक करे गए हैं, उनके खातों में 100-100 रुपये भी नहीं निकले हैं। ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिनके खातों में 100 रुपये भी नहीं निकले, लेकिन वो उनकी औकात से बड़ी 1 करोड़ रुपये का इनाम रख रहे हैं, क्योंकि माइक पे बोलने में तो कुछ आता नहीं है, 1 करोड़ रुपये बोल दिया। अब जहाँ तक नुपुर शर्मा की बात है, नुपुर शर्मा को सजा देने का काम कानून का है, उस पर केस हो चुका है, जो कानून सजा देगी वो उसको मिलेगा। लेकिन ये देश में देश का माहौल बिगाड़ने के लिए, आपस में लड़ने के लिए शुक्रवार को जैसे पत्थर लेके निकल गए, कोई मतलब नहीं बनता। जब कानून है देश में, यदि आपको कानून, या तो आपको पता है कि देश के कानून पे आपको भरोसा ना हो, तब आप किसी को विरोध करो, तब आप जलाने की बात करो, मारने की बात करो, काटने की बात करो। और यदि आप हिंदुस्तान में रह रहे हो, आपका हिंदुस्तान में संविधान है, हिंदुस्तान में कानून है, तो कानून को मानना चाहिए। लेकिन ये लोग ऐसे हैं जो कानून को बिल्कुल नहीं मानते। विपक्ष कहता है कि बेरोजगार हैं, ये पत्थरबाजी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है जो रोजगार जिसके पास है वो भी पत्थरबाजी करता होगा क्या? नहीं नहीं, जिनके पास रोजगार है वो तो अपना काम धाम करने जा रहे हैं। जो सुअर की तरह 12-12, 15-15 बच्चे पैदा करेंगे, उनमें 2-4 ही तो काम करेंगे, और करेंगे क्या खाली घर पे बैठ के? फिर ये बोलेंगे कि रोजगार नहीं है इनके पास। क्या एक मतलब स्पेशल ही मतलब एक धर्म मतलब एक करेक्टर ही आदमी हमेशा हमारे को मिलता है कि दंगा भड़काते हुए, दंगा करते हुए बम विस्फोट होता है तो हमें एक ही आदमी, एक ही धर्म का बंदा क्यों मिलता है? ये सोचने वाली बात है ना कि उनको क्या सिखाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है कि जितने भी आतंकवादी, शुक्रवार की जो नमाज अदा होते हैं लोग, जुमे आजी, उसमें क्या यही बताते हैं क्या? अब शुक्रवार को क्या बताया जाता है वो तो उनकी किताबों में भी लिखा है कि काफिरों को मारो। अब काफिर कौन है, इसकी डेफिनेशन आप गूगल पे देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए। जो इस्लाम काफिर कहलाया जाता है, मूर्तियों को ना पूजने वाला काफिर कहलाया जाता है, और हम काफिर हैं, हमें गर्व है कि हम काफिर हैं। हम ऐसी कौम से पैदा नहीं हुए हैं जहाँ महिलाओं का सम्मान नहीं होता है। नुपुर शर्मा एक महिला है, और उसका इस तरीके से उसकी मूर्ति बना कर के, डिज़ाइन बना के, पुतला बना के ऊपर लटकाने की ज़रूरत क्या थी? ये तो साफ दर्शाता है कि आप महिलाओं का सम्मान नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। कारण ये है, तुम्हारे इस्लाम में लिखा हुआ है, जब तुम्हारे मोहम्मद पैगंबर ने नहीं किया सम्मान महिलाओं का, तो तुम क्या करोगे? जब वो 6 साल की बच्ची को हवस का शिकार बना सकता है, 9 साल की उम्र होते हुए एक मौलाना साहब से ये सवाल किया गया, तो मौलाना साहब ये कहते हैं कि भैया ऐसा है, हमारे यहाँ निकाह होता है, विवाह नहीं होता है। भाई साहब, निकाह तो जब ही होगा ना जब बालिग हो जाएगी। निकाह का मतलब क्या होता है, विवाह का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब शादी ही होता है, चाहे आप निकाह करिए चाहे विवाह करिए, लेकिन दोनों में प्रोटोकॉल सेम होना चाहिए कि 18 साल से वो सरकार भी कर रही है। लेकिन इनके यहाँ निकाह 6 साल की बच्ची अगर खिलौने से खेल रही है, अगर वो पसंद आ गई तो वो उनकी घरवाली बनने लायक हो गई है, उनकी बनने लायक हो गई है। और बचपन में ये कहते हैं, मासिक धर्म की बात करता हूँ,
ये कहते हैं कि जब महिला का मासिक धर्म आता है तब उसको मस्जिद में इजाजत नहीं, जिनके जो छोटी बच्चियां हैं क्या उनको आप मस्जिद में अलाउ करते हैं नमाज पढ़ने के टाइम पे? उनको भी तो नहीं करते। महिलाओं का सम्मान ये कभी नहीं किया इन्होंने। और जिस बेटी को वो काटने की बात कर रहे हैं, जिस बेटी को नूपुर शर्मा की काटने की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ उस बेटी के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है, हिंदू हर हिंदू खड़ा है, हर हिंदू भाई खड़ा है। और सजा की बात कर रहे हैं आप, उनको सजा देकर तो दिखाइए। आप सजा देकर आप पत्थर मार रहे हैं ना, हम तलवार लेके निकलेंगे, आप पत्थर मारिए कोई बात नहीं। आप ड्रामा करेंगे तो हम भी बहुत ड्रामेबाज हैं। पत्थरबाजी हो रही है इतना यूपी में, मतलब कि बुलडोजर चल रहा है फिर भी ये शांत नहीं हो रहा है, इसके पीछे क्या मतलब रणनीति हो सकती है? सबसे बड़ी मैं बोलूंगा इसमें नेताओं की कमी है, जो इन्हें संरक्षण दे रहे हैं उनकी कमी है। सबसे पहले इनका जो ये 10-12 बच्चे पैदा करें, इनका राशन बंद करा जाए, इनका राशन बंद करा जाए, इन्हें इन्हें जो पैसा मिलता है अल्पसंख्यक का पहले वो बंद करा जाए। इनकी नाक में नकेल जब ही कसी जाएगी जब इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। बुलडोजर मात्र उपाय नहीं है, ये अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक पहुंच चुके हैं लेकिन सरकार इन्हें आज भी अल्पसंख्यक मानती है। कारण क्या है? कारण क्या है? कारण ये है कि कुछ नेता सिर्फ राजनीति की रोटी सेकने के लिए मुस्लिमों को और बढ़ावा देते हैं कि तुम मारकाट करो फिर हम यहाँ पे रोना पीटना छाती पीटेंगे और हम तो तुम्हारे साथ खड़े हैं। मुस्लिम भाई भाई हो जाते हैं और हम मुंह देखते रह जाते हैं। कारण यही है। कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है दंगा का, मैं बता दूं जिसे ईडी का समन गया राहुल गांधी सोनिया गांधी पर 13 तारीख को, उनके जैसे कल 13 तारीख है, कल उनको पेश होना ईडी के सामने, क्या ये भी हो सकता है कि दंगा वंगा करवा रही है पीछे कुछ ना कुछ? शुरू से ही कांग्रेस ऐसी पार्टी रही है जो बंटवारे में भी अहम भूमिका निभाई थी इन्होंने। और नेहरू गांधी परिवार के बारे में मैं क्या बताऊं, ये जग जानता है कि उन्होंने कितने बड़े बड़े कार्य किए हैं। आज जो जगह जगह पे मस्जिद, ये अब्दुल मार्ग, ये अकबर मार्ग जो दिख रहा है, अकबर कौन था? ये अल्लाहू अकबर कहते हैं। मैंने एक मौलवी साहब से पूछा, ये मैं अपनी रियलिटी की कहानी बताता हूँ, एक मौलवी साहब से मैंने पूछा मस्जिद पे कि भाई साहब ये अल्लाहू अकबर कहते हो, ये अकबर का मतलब क्या होता है? अकबर तो शासक था। तो कहते हैं हाँ जी अकबर तो हम इबादत करते हैं। इबादत नहीं करते हो तुम, ऐसे लोगों को पूजते हो जिन्होंने देश को हमेशा लूटा है, हमेशा देश को जो लूटने का कार्य करते हैं तुम उनकी पूजा करते हो, जो सेक्स का व्यापार कर रहे हैं, जो हवस को बढ़ावा दे रहे हैं तुम उनको अपना पैगंबर मानते हो, अपना खुदा मानते हो। तो सिंपल सी बात है, तुम ऐसी सोच मानसिकता रखोगे तो किसी की बहन बेटी सेफ नहीं रहेगी। हिंदू भाइयों को ये ठान लेना चाहिए कोई भी मुस्लिम भाई उसे अपना भाई ना बनाए, जो हम बोल देते ना हिंदू मुस्लिम भाई भाई, उसे भाई ना बनाए, क्योंकि ये हमें भाईचारा के चक्कर में हमें काटने के फेर में लगे हैं। ये ऐसे लोग हैं जो सामने से तो भाई बोलेंगे और पीछे छुरा मारने का काम कर रहे हैं, घर में घुस के मतलब छुरा मारने का। जी जी बिल्कुल, मुसलमान जो हिंदू मुस्लिम भाई भाई के हम लोग चारा देते हैं, ये मतलब कायदे में देखा जाए तो बिल्कुल सही नहीं होता। बिल्कुल सही नहीं है जी। मुझे आप दिखा दो ना एग्जाम्पल, आज आप एग्जाम्पल मैं आपको छोटा सा दूंगा, अगर हिंदू मुस्लिम की शादी हो रही है ठीक है, उसमें अगर हिंदू लड़की आ जाए तो आपके थाना प्रशासन चौकी नेता कोई कुछ कार्रवाई नहीं करेगा, आप घोड़े खोल लीजिए, आप खूब दौड़िए थाने, कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर वही मुस्लिम के 4 टोपी पहन के अगर वहां पहुंच गए थाने तो कार्रवाई तुरंत होती है, ये रियलिटी है। और अगर आपको लग रहा है नहीं है तो आप मैं आपको बता रहा हूँ आपकी सोच गलत हो रही है। रियलिटी मायने में आज के टाइम पे इन्होंने एक डायलॉग मारा था, एक फिल्म आई थी अभी, कौन सी थी, 10 कश्मीर फाइल। इन्होंने कहा कि कुछ भी कोशिश कर लो, कितनी भी सरकारें बना लो, लेकिन राज तो हमारा रहेगा, शासन तो हमारा रहेगा। और वही हो रहा है। केजरीवाल सरकार क्या कर रही है, क्या कर रही है? मैं किसी सरकार का विरोध नहीं कर रहा पर कर क्या रही है? रिंकू शर्मा की हत्या होती है, वहाँ वो नहीं जाते हैं, उनका भाई पूरे दिन रोड पे खड़ा होता, मैं खड़ा था उनके भाई के साथ, रिंकू शर्मा के भाई के साथ मैं खड़ा था, ये भाई खड़े थे, गए थे हम मुख्यमंत्री आवास के बाहर तक खड़ा नहीं होने दिया, एक लेटर तक देने नहीं दिया। लेकिन जहां इनके यहां कोई हादसा हो जाता है उनके ये पत्थरबाज जो जामिया में जिन लोगों ने तिरंगा का अपमान किया था, ये लोग कैसे 1 महीने से 2 महीने वहां बैठ गए, कैसे इन्होंने अपना शासन बना के रखा, वहां पर तिरंगे को नीचे लेटाया जा रहा था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल लिप्त है, पूरी लिप्त है। आप सुनिए, आप ताहिर हुसैन कौन था? ताहिर हुसैन कौन था? जो जितने भी दंगाई निकलते हैं ये कहीं ना कहीं आम आदमी से लिप्त क्यों होते हैं? कारण क्या है? ये आम आदमी पार्टी पूरा का पूरा संरक्षण देने का कार्य करती है। आज भी आप किसी भी मदरसे में पूछ लीजिए, एक मौलवी मौलाना की सैलरी 18 से 20 हज़ार रुपये होती है, जो सही सहायक होता है उसकी 15-14 से 15 हज़ार रुपये होती है।
लेकिन हमारे मंदिरों में देख लीजिए पंडित क्या एक दिए तक के पैसे लोग अपने हिंदू जो लोग हैं वो नहीं दे पा रहे हैं। कारण यही है हिंदू का जो लेवल जो गिर रहा है वो कारण ही यही है, पिछड़ जो रहा है हिंदू। आज वो पत्थर मार रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वो तो बाबा हैं जो टैटू बनवा दे रहे हैं उनके पीछे। यूपी सरकार जो है और यूपी पुलिस है वो इतनी अच्छी कलाकारी कर रही है कि लोगों के पीछे इतना शानदार टैटू बना रहे हैं कि देख के बड़ा दिल खुश होता है। क्या ये टैटू दिल्ली सरकार नहीं बनवा सकती थी जब वहाँ इतने बीच में रिंकू शर्मा जी को मार दिया गया था, चाकू से गोद दिया गया था, तब कहाँ थी सरकार हमारी? तो दिल्ली पूरी तरह से दिल्ली की सरकार भ्रष्ट है और ये कहीं भी हिंदुओं को सपोर्ट नहीं करती है। जहाँ कहीं मंदिरों का तोड़ने का कार्य करेगी, चांदनी चौक में आपने देखा होगा मंदिर को बीच रोड पे से मंदिर को तोड़ दिया गया था, प्राचीन मंदिर था उसे तोड़ दिया गया था, लेकिन पुल के ऊपर बन जाता है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आप देखिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे कहाँ कौन मर गया था, कौन सा पीर मर गया था, कौन सा मौलाना मर गया था, मुझे बताइए आप। कहाँ से वहाँ पैगंबर ने पैदा हो गया था वहाँ पे? क्या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, अदर बस स्टैंड, जितने भी बस स्टैंड हैं, जितने चौक चौराहे हैं, हर जगह एक कुत्ता मरा था? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, हर जगह एक कुत्ता मरा था क्या जो आपने हरी चादर पर ओढ़ा दी, ये बताइए आप। तो सीधा सीधा मेरा कहना ये है कि भाई साहब जो इन लोगों ने त्रासदी मचा रखी है इनको कोई नहीं हटा रहा। उन्होंने जो कश्मीर फाइल्स में बात कही थी वही रिपीट हो रहा है और होता रहेगा अगर हिंदू नहीं जगा। धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि आप लोगों ने देखा यहाँ पर कुछ लोग हैं हमारे से जिनसे हमने बात करने की कोशिश की, वो बताते हैं कि नुपुर शर्मा को पूरा हिंदुस्तान सपोर्ट करता है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को भी लोग गलत ठहरा रहे हैं। वहीं रिंकू शर्मा जो कांड था, हत्याकांड था, उसमें भी लोगों का बड़ा रुझान देखा गया है। जैसे कि आप मेरे साथ देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन दीपांशु साथ, मैं राहुल, दिल्ली।